हेलो नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस 18 के घर में गुणरत्न यानी कि एडवोकेट साहब ने आज ज़बरदस्त रौनकें लगा के रखी है, लोगों को हंसा करके रखा है। और जिस तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे के सारे लोग गुणरत्न को इंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरीके से वो घर के अंदर जो है अपनी गेम नहीं कह सकते इसको, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से घर के अंदर वो हमें दिखाई दे रहे हैं वो नेचुरल है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें घर के अंदर एक और चीज़ देखने को मिली है कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये लौंडा है तो बिग बॉस का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर। जी हाँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है करण, और मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर ये काफ़ी आगे तक जाने वाला है। सेंस बातों में दिखाई देती है, कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ लोगों से झगड़े वगड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सेंस कहीं ना कहीं इस बंदे में दिखाई दे रही है। और एक और खिलाड़ी कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, विवान मुझे एक और कंटेस्टेंट ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और बिग बॉस में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ लगती है कि बातों में लॉजिक है कि नहीं है। अगर बातों में नहीं लॉजिक है, आर्गुमेंट करने में नहीं लॉजिक है, तो कहीं ना कहीं वो फीका नज़र आता है। चाहे कितना ही बड़ा एंटरटेनर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आप कह सकते हैं कोई बाहर का सुपरस्टार ही क्यों ना हो, चाहे फैन फॉलोइंग जितनी मर्जी हो, विवान की मुझे बातें लगती है कि वो थोड़ा सेंसेबल है, थोड़ा क्या अच्छा खासा सेंसेबल है। और आज जिस तरीके से घर के अंदर उसने एक आधे बंदे को सुनाई है, तो यहाँ पे अविनाश को लेकर के विवन ने कहीं ना कहीं धमाकेदार रिप्लाई दिया है। वो कहीं ना कहीं अपने बातों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा था, और विवान ने यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात कही कि भाई जब उसको कुछ काम करने को भी बोला तब भी उसने बोला कि मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ये कर लूँगा, यानी काफ़ी नखरे दिखाता हुआ नज़र आया। तो विवान ने कहा कि भाई देखो, हमने खाना बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब हम खाने भी लग पड़े हैं। तो जिस तरीके से अविनाश कहीं ना कहीं बार बार कह रहा है कि सब कर लेंगे तो मैं बाद में करूँगा, ये हो जाएगा मैं बाद में करूँगा, ये, तो हर बात के लिए वो एक मतलब अपना एक आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो विवान ने कहा कि देखो भाई, सीधी सी बात है, जब हम सबका पेट भर जाएगा, हम सब ने खाना बना लिया ना, अब जब हम सबका पेट भर जाएगा और जो खाना बचेगा वो जो है अविनाश खाएगा, क्योंकि अविनाश का मानना है कि जब सब काम लोग कर लेंगे उसके बाद वो काम करा करेगा। तो जब सब लोग खाना खा लेंगे, अविनाश उसके बाद ही खाना खाएगा, ये विवान कहते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे एक और बात दिखी कि अविनाश कहीं ना कहीं विवान को अविनाश ने उस तरीके से रिप्लाई नहीं दिया। अब मुझे तो ये नहीं पता है पहले कि विवान की हिस्ट्री क्या है, और घर के बाहर विवान के ऐसे कौन से झगड़े हुए हैं, या फिर ऐसी कौन सी विवान की स्टोरी है कि लोग विवान से झगड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, और सभी के सभी चुप रहते हैं। अब मुझे वो बैकग्राउंड इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अविनाश भी कहीं ना कहीं जब विवान ने कहा कि भाई तू अब सबसे लास्ट में खाना खाएगा, तो भी आर्गुमेंट करते हुए नहीं नज़र आया अविनाश, और ये कहते हुए नज़र आया कि भाई खाना अलग चीज़ है और काम अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसी हिस्ट्री है विवान की, जिसको टीवी के एक्ट्रेस लोग सब लोग ये जानते हैं कि वो कैसा आदमी है, लेकिन मुझे शायद पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आ रहा है कि विवान और अविनाश के बीच भी जो ये झगड़ा देखने को मिल रहा है, उसमें भी अविनाश विवान को कुछ कहता नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस की ये गेम कहाँ तक जाने वाली है? अविनाश के बारे में अगर मैं अभी तक बोलूँ तो अविनाश ठीक ही है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, जो उसका चीखना है और मतलब इरिटेशन कहीं ना कहीं होती है जब वो बार बार एक ही बात करता है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि अभी आगे जा कर के मुझे लगता है गेम उसकी और भी ज़्यादा निखर के दिखने वाली है। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।